अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका अब तक साइंसदानों को जवाब मालूम नहीं। दोस्तों, ऐसी ही सवालात में से मैं चार सवालात आपको बताऊंगा जिनका अब तक साइंसदानों को जवाब मालूम नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने ये चार सवालात। नंबर वन, What is at the bottom of black hole? यानी ब्लैक होल के नीचे क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब देने के लिए अभी तक टूल्स नहीं है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ये कहती है कि जब किसी ब्लैक होल की वजह से बड़े पैमाने पर सितारे को गिरने से मरते हुए पैदा किया जाता है, तो ये उस वक्त तक अपने आप को बचाता रहता है जब तक कि ये एक बहुत ही छोटा ला महदूद घने नुकता बन जाता है जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन इस तरह के तराजू पर क्वांटम फिजिक्स में भी शायद कुछ कहना है, सिवाय इसके कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स कभी भी बेडफेलो में खुश नहीं थे। कई दिहाइयों तक उन्होंने इनको मुत्तहिद करने की तमाम कोशिशों का मुकाबला किया। ताहम एक हालिया ख्याल से जिसे एम थ्योरी कहा जाता है, एक दिन कायनात की इंतहाई तखलीकात में से किसी के अनसीन सेंटर की वजाहत कर सकता है। वाई डू वी स्लीप, यानी हम क्यों सोते हैं? दोस्तों, अगरचे हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म को एक सर्कुलेशन क्लॉक के जरिए मुनज़्ज़िम किया जाता है जो इंसानों को नींद जाग के चक्कर पर रखता है, वक़्तन नहीं मालूम कि इसकी वजह क्या है। नींद का वक्त ऐसा होता है जब हमारा जिस्म टिश्यूज की मरम्मत करते हैं और देखभाल के दीगर काम अंजाम देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी का तकरीबन तीसरा हिस्सा स्नोजिंग यानी नींद करते हुए गुजारते हैं। कुछ दूसरे जानदारों को बिल्कुल भी सोने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों? वहाँ कुछ मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद है, लेकिन कोई भी इस सवाल का ठोस जवाब नहीं देता। कुछ लोगों ने यह नज़रिया पेश किया है कि जानवर सोने के काबिल है, उन्होंने शिकारियों से छुपने की सलाहियत तैयार कर ली है, जबकि दूसरा फराज जिन्हें ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है वो पूरी तरह सोए बगैर आराम और दोबारा पैदा करने के काबिल है। अगरचे साइंसदान ये नहीं जानते कि हम ये क्यों करते हैं, वो इसके बारे में मज़ीद जानना शुरू कर रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी है और नींद अहम चीज़ों को किस तरह मुतासर करती है, जैसे ब्रेन प्लास्टिसिटी। नंबर थ्री, हाउ डज ग्रेविटी वर्क, यानी कशिश थकल कैसे काम करती है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मून से ग्रेविटी टाइड्स की वजह से बनता है। ज़मीन की कशिश थकल हमें सतह पर ले जाता है और सूरज की कशिश थकल हमारे सियारे को मदार में रखती है, लेकिन हम वाकई इसको कितना समझते हैं? ये ताकतवर कुव्वत मैटर यानी मादे से तैयार की गई है और इस वजह से ज़्यादा बड़े पैमाने पर अशिया में दीगर अशिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। अगरचे साइंसदान ग्रेविटी के अमल के बारे में बड़े हद तक समझते हैं, लेकिन इन्हें वाकई यकीन नहीं है कि ये क्यों मौजूद है। एटम ज़्यादातर खाली जगह क्यों होते हैं? जो कुव्वत एटम्स को एक साथ रखती है वो कशिश थकल से क्यों मुख्तलिफ है? क्या ग्रेविटी दर हकीकत एक ज़र्रा है, या ऐसे जवाबात जिनका जवाब हकीकत में अभी फिजिक्स की मौजूदा समझ से नहीं दी जा सकता। नंबर फोर, हाउ डू एनिमल्स माइग्रेट, यानी जानवर कैसे हिजरत करते हैं? दोस्तों, मौसमी दर्ज हरारत और इसके साथ आने वाले वसाइल से बचने के लिए या साथियों की तलाश के लिए बहुत सारे जानवर और कीड़े साल भर हिजरत करते हैं। इनमें से कुछ हिजरतें एक सिमत में हज़ारों किलोमीटर की दूरी तक पहुँच सकती है, तो फिर इन्हें वहाँ जाने का रास्ता कैसे मिल जाता है और साल ब साल फिर से आता है? मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ नेविगेशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी शामिल है जो ज़मीन के मैग्नतीसी मैदान में टैप कर सकते हैं और अपने आप को कंपास की तरह इस्तेमाल करते हैं। ताहम साइंसदान अभी तक नहीं जानते कि यह हसलत कैसे तैयार हुई या किस तरह गैर तरबियत याफ्ता जानवरों को ठीक तौर पर मालूम है कि एक मौसम के बाद दूसरे मौसम में कहाँ जाना है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।